मतलब माँ एक ही है कि नहीं, और दोनों की पत्नी एक ही है क्या? तो राम्स बुक या फिर राम द बुक ऑफ राम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज देव साहू एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश गुरु देव साहू। आज का हमारा टॉपिक है अपोस्ट्रोफ एस। लुक फॉरवर्ड ओए, देखो अपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग क्या होता है? का के की मींस ये संबंध को बताता है। क्या बताता है? संबंध को। या तो हम अपोस्ट्रोफी ये जो साइन होता है इसको अपोस्ट्रोफ एस बोलेंगे या फिर लगाते हैं ऑफ। जैसे देखो लुक फॉरवर्ड एग्जांपल समझो इसको, जैसे कि ही इज राम्स फ्रेंड। क्या है इसका मीनिंग बताओ? वह राम का दोस्त है। संबंध को बताया, इसी को देखो। ओए लुक फॉरवर्ड, ही इज फ्रेंड ऑफ राम। दोनों का आंसर क्या है? ही इज राम्स फ्रेंड, वह राम का दोस्त है। ही इज फ्रेंड ऑफ राम, वह दोस्त राम का है। वह राम का दोस्त है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यूज क्या की हम एक में अपोस्ट्रोफ एस लगा दिए और एक में क्या लगा दिए और। दोनों का मीनिंग एक ही होता है का के की, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। इसी डिफरेंट को पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है, कि किसके साथ ऑफ लगाएंगे और किसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, और दोनों का मीनिंग एक ही है संबंध बताने के लिए। गॉट इट? ओके, देखो अपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग क्या बताया? का के की, या फिर ऑफ का मीनिंग क्या होगा? का के की। अब हम इसका यूज देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा लिविंग, मींस जब सब्जेक्टिव होगा ही सी इट आई जो भी है सब्जेक्टिव केस में होगा तो हम एस सिस्टम को फॉलो करेंगे। एस सिस्टम मतलब अपोस्ट्रोफ ही एस लगा सकते हैं या फिर ऑफ सिस्टम मींस लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ दोनों सिस्टम को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि लुक फॉरवर्ड, देखो जैसे कि राम्स बुक। राम्स बुक क्या है मीनिंग इसका? राम का पुस्तक, राम का पुस्तक। इसी को ये कौन सिस्टम फॉलो किया? राम के साथ हमने क्या लगा दिया? अपोस्ट्रोफी एस। अब बताओ राम क्या है? लिविंग है या नहीं? इसलिए हमने इस कौन सिस्टम फॉलो किया? एस सिस्टम मतलब अपोस्ट्रोफ एस वाला। इसी को दूसरे तरीके से मैं क्या बोलूंगा? एफ सिस्टम से बोल सकता हूँ, है ना। तो शुरू क्या लगाएंगे? द, और उसके बाद नाउन। तो बुक हमारा क्या बन गया? नाउन, द बुक ऑफ राम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया राम, तो क्या बनेगा? वो नाउन की तरह काम करेगा। तो द बुक ऑफ राम मीनिंग क्या होगा? राम का पुस्तक। तो राम्स बुक या फिर राम द बुक ऑफ राम, दोनों का मीनिंग क्या होगा? एक ही होगा। तो जब क्या होगा थिंग्स क्या होंगे? लिविंग होंगे, तो हम एस या फिर ऑफ दोनों सिस्टम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। जैसे कि रोहन्स होम। रोहन्स होम मींस रोहन का घर। रोहन घर हो जाएगा, रोहन्स घर, रोहन का घर। तो इसका क्या बनेगा सेकेंड सिस्टम से? द होम ऑफ रोहन, ठीक है। ये फादर्स नेम, तो क्या है इसका मीनिंग? जैसे कि फादर्स नेम मींस क्या हुआ? पिताजी का नाम। आप लोग फादर नेम बोलोगे तो क्या हो जाएगा फिर? वो गलत होगा ना। फादर नेम नहीं होता, फादर्स नेम होता है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि फादर्स बोलो, फादर्स नहीं, फादर फादर फादर। इसी को देखो दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे? दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे हम इसको? द नेम या फिर नेम और फादर।
नेम ऑफ, इसको द नेम कर देना है ना, द नेम ऑफ फादर मींस पापा का नाम। तो एक ही चीज को हम दो तरीके से बोलेंगे है ना, और किसको दिखाएगा, रिलेशन को दिखाएगा। तो अपोस्ट्रोफ एस या फिर ऑफ सिस्टम को फॉलो करना है आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकेंड नंबर देखो, ये तो बता दिए दोनों हम फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स मींस जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा, लाइक नहीं होगा, मतलब जैसे कि देखो तो कवर ऑफ मोबाइल, कवर ऑफ मींस मोबाइल का कवर, अब उसमें जीवन है तो कवर ऑफ मोबाइल कर देते हैं, मींस मोबाइल का क्या कवर, तो इसको हम मोबाइल कवर नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हम बोलचाल की भाषा में भी एक्चुअली कभी कभी यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मोबाइल्स कवर, बाइक्स कवर, तो ऐसा नहीं होता, वो होगा कैसा, कवर ऑफ मोबाइल, कवर ऑफ बाइक, इस प्रकार से आपको यूज करना है इसको। द सीलिंग, द सीलिंग ऑफ बिल्डिंग, या फिर इसी को हम और क्या कर सकते हैं, द रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है, द रूफ ऑफ होम, छप्पर, और सीलिंग जो कमरा होता है ना उसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जब नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ सिस्टम फॉलो करेगा, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। गांव का नाम क्या लगाओगे, विलेज नेम की नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज। स्कूल का नाम, हम लोग स्कूल्स नेम बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में होगा क्या, नेम ऑफ स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, ऐसे बनेगा नेम ऑफ स्कूल। देखो जब नाउन क्या होगा, लिविंग होगा और होगा सिंगुलर, और एक बनेगा नाउन होगा लिविंग और होगा प्लूरल, तो सिंगुलर होगा तो हम दोनों सिस्टम तो फॉलो कर सकते हैं है ना, ए सिस्टम बताया कि नहीं, अगर नाउन क्या होगा, लिविंग होगा तो ए सिस्टम फॉलो करते हैं। और जब देखो एक ऐसा है सिंगुलर, सिंगुलर में एक है ओए, लड़का का पेंट तो क्या बोलोगे, बॉयज पेंट। अब देखो लड़का एक है तो इसीलिए हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन जब ये जो नाउन है ना, कौन से फॉर्म में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी के पहले एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस, मतलब जैसे देखो एस रहेगा ऑलरेडी, उसके बाद अपोस्ट्रोफी आएगा और उसके बाद, मतलब अपोस्ट्रोफी सिस्टम लिख देता हूँ चुपचाप। अब एग्जांपल से देखो, ये बॉयज पेंट तो अपोस्ट्रोफी बीच में फिर एस है, लेकिन जब क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा तो बॉयज के बाद हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी, बॉयज हॉस्टल। अब लड़के, हॉस्टल में एक लड़का रहते हैं बहुत सारे, तो बॉयज हॉस्टल बोलते हैं, बॉय हॉस्टल बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल मींस देखो एक होगा तो अपोस्ट्रोफ एस के पहले क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी, और जब वही प्लूरल फॉर्म में होगा तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी, अंडरस्टूड है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बर्ड विंग, विंग मींस क्या होता है, पंख, कितना बर्ड है, एक, तो बर्ड विंग, तो बर्ड्स विंग हो गया पक्षी का पंख, और इसी को पक्षियों का पंख करूंगा तो क्या हो जाएगा फिर, बर्ड्स विंग, ऐसा होगा कि नहीं, मींस ये जो अपोस्ट्रोफी है ये वाला वो एस के बाद आ गया, और सिंगुलर होगा तो एस के पहले, और प्लूरल होगा तो एस के बाद, ये इसका सिस्टम फॉलो करना है आपको। जैसे गर्ल्स साइकिल, लड़कियों का साइकिल,
तो क्या बनेगा? जी आई आर एल और एस लगाएंगे गर्ल्स, और यहाँ पर क्या आएगा? अपोस्ट्रोफी, और फिर उनका साइकिल, लड़कियों का साइकिल। इसमें जैसे कि इसका सिंगुलर गर्ल्स ड्रेस, गर्ल्स ड्रेस मीन्स लड़कियों का जो पहनावा होता है उसको ड्रेस कहेंगे, है ना, लड़कियों का पहनावा ड्रेस। गर्ल्स साइकिल, लड़कियों का साइकिल। तो जब ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो बता दिया एस के पहले अपोस्ट्रोफी, और प्लूरल फॉर्म में होगा तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी। चलो अब इसको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना में खत्म कर। देखो तो मेंस वियर वुमेन्स वियर ऐसा होता है क्या कि नहीं होता है? जैसे गर्ल्स गारमेंट लड़कियों का कपड़ा, तो ऐसे क्लॉथ जो सेंटर होता है बॉयस गारमेंट ऐसे लिखा है, देखे हो? या फिर बॉयस क्लॉथ स्टोर नहीं देखे हो क्या? कि देखे हो? तो इस प्रकार के जैसे मेन होगा तो मेंस करना, क्या करना? मेंस। लेकिन देखो मेंस ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, मेन कौन से फॉर्म में है? प्लूरल, क्योंकि इसका सिंगुलर क्या बनता है? मैन, और इसका प्लूरल मेंस। तो फिर भी इसमें हम क्या लगाते हैं? एस। तो अपोस्ट्रोफी के बाद क्या लगाते हैं? एस। ऐसे वुमेन्स वियर है ना, सब में ऐसे लगाना। टुडेस न्यूज, आज का समाचार है ना, न्यूज ऑफ टुडे, तो टुडेस न्यूज करना, ठीक है। फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉस, तो ला में क्या आ जाएगा वो? एस। राम और श्याम की माँ, तो कैसे बोलोगे? राम और श्याम की माँ, तो कैसे बोलोगे? मदर्स ऑफ राम, मदर्स ऑफ राम एंड श्याम्स मदर, राम और श्याम की माँ, या फिर हम बोलेंगे द मदर ऑफ राम एंड श्याम। लो ये तो एक ही से संबंध है ना, राम और श्याम का संबंध किससे है? उनकी माँ एक ही है ना, एक से। तो ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, एस वाला सिस्टम। कौन सा वाला? एस वाला। अब इसी में देखो, राम की पत्नी और श्याम की पत्नी, तो कैसे करोगे? राम एंड श्याम वाइफ्स। अब दो ठो पत्नी होंगी ना, कि दोनों की एक ही पत्नी हो जाएगी? दो ठो। तो ये सिस्टम देखो दोनों, अब यहाँ समझो कि दोनों का फैमिली एक ही है, मतलब माँ एक ही है कि नहीं, और दोनों की पत्नी एक ही है क्या? अलग अलग है ना, इसीलिए देखो राम्स एंड श्याम्स वाइफ मींस राम और श्याम की पत्नी, लेकिन राम और श्याम की माँ, तो माँ तो एक ही होती है, इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस एक में जाके लगा है। लेकिन जब संबंध अलग अलग होगा तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है। किसको बोलूं? मोनिका एंड प्रियंका ब्रदर मींस मोनिका और प्रियंका का भाई, दोनों का भाई एक ही है विवेक, कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन उनके जो हस्बैंड होंगे वो अलग अलग होंगे ना। तो प्रियंका एंड मोनिका हस्बैंड, तो यहाँ पर हस्बैंड हो जाएगा, तो दोनों का अपोस्ट्रोफी प्रियंका एंड मोनिका ऐसे करना है। अब उनके हस्बैंड अलग अलग होंगे ना, तो जो उनका संबंध है वो अलग अलग से होगा, लेकिन भाई का संबंध एक ही है, तो जब रिलेशन एक से होगा तो अपोस्ट्रोफी एक लगेगा, और अलग अलग से होगा तो दोनों में अलग। ओके अंडरस्टूड है? नाउ स्टॉप टॉकिंग एंड लुक फॉरवर्ड, उधर कुछ नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है।